देख रहे हैं अपना समाचार। Three films in 1 year, my record in Limca Guinness book. So many records and I have done 600 films, 600 picture kiya. Lekin aajkal main bahut selected picture karta hoon. 3 pictures in 1 year. Do pal pyar ke jo gana hua, ye gana hai super hit song hai. Mera jo experience hai 46 years ho gaya. Mera jo tajruba hai. इतना अच्छा म्यूजिक को भगवान ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर अल्लाह ने आशीर्वाद दिया कि इतना एक सिंगिंग लाइक मैं भी गाया, शान भी गाया, लेकिन एक गाना मेरा बच्चा ही बोलूँगा लिटिल चैम्प्स में अरमान मलिक। यस सर, मैं जस्ट था, मैं उस दिन प्रेडिक्शन किया था यू विल बी वेरी बिग सिंगर इन बॉलीवुड एंड ही सैंग टेरिफिक। जो दो पल प्यार की जो आपने लास्ट सॉन्ग सुन रहे हैं सैड, एंड ये पिक्चर में पार्थ घोष डायरेक्टर, ऑलवेज वी आर लकी। मैंने अभी बोला थ्री, दिस इज थर्ड पिक्चर, वी हैव डन सो मेनी हिट्स, दलाल गीत एंड दिस पिक्चर, प्लस माय सन बप्पा लहरी, ही हैज डन रिमार्केबल जॉब। ऑर्केस्ट्रेशन एंड प्रोग्रामिंग इज आउटस्टैंडिंग। बप्पा डन बहुत मेहनत किया, जो गाना लिखा है दीपक ने वो भी बहुत अच्छा गाना लिखा। और थैंक्स टू मंजू भारती, वंडरफुल पीपल, वंडरफुल प्रोडक्शन हाउस। आज आप लोग सब लोग दुआ कीजिए ये पिक्चर का बहुत अच्छा होना चाहिए। बस गाना आप लोग को तो बहुत ही पसंद आएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आप लोग बहुत सचमुच आफ्टर लॉन्ग टाइम आप लोग याद करेंगे, क्योंकि मेरा देखिए 2017 में इतना सारा पिक्चर आया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया आया, डैडी आया, नाम शबाना आया, सब में एक एक गाना था। उससे पहले तो गुंडे, डर्टी पिक्चर्स, गुरु, गोलमाल अगेन। बट क्या है ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर में एक मैंने बहुत पता नहीं क्या हुआ था, दिल से बनाया दो पल प्यार के, और सिचुएशन भी बहुत सुंदर था। और हमारा जो हीरो है मुकेश, तो वंडरफुल काम किया, मैं देखा गाना, बहुत ही अच्छा काम किया। बस आप लोग दुआ दीजिए, मैं चाहता हूँ एक ही लाइन है, दो पल प्यार के, दो पल प्यार के, दो पल प्यार के। मेरा किरदार बहुत अजीब और ऐसा किरदार है मेरा जो डायरेक्टर पार्थ घोष ने जो बनाया है। आपने सभी ने देखा होगा कुछ लोग जो है इंडिया से बाहर पढ़ने जाते हैं, और मेरी फिल्म के अंदर मेरा कैरेक्टर इंडिया, बाहर से इंडिया पढ़ने आता है, पेरिस से। तो फिल्म के अंदर मैं पेरिस से इंडिया पढ़ने आता हूँ, ये मेरा किरदार है। डेफिनेटली हर फिल्म ही चैलेंजिंग होती है, और बट आई एम वेरी थैंकफुल कि बहुत अच्छी टीम थी, और फिल्म हमारी कम्प्लीटली म्यूजिकल फिल्म है। फिल्म के अंदर बहुत अच्छा म्यूजिक पिरोया है बक्कीदा ने, और डायरेक्ट पार्थोदा ने किए। बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन पे हम लोगों ने फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट की, पहाड़ी क्षेत्रों में हमने फिल्म की शूट कम्प्लीट की। तो थोड़े बहुत चैलेंजेस ज़रूर रहे, बट अच्छी टीम होने की वजह से वो सारे चैलेंजेस हमने फेस करके और फिल्म को सक्सेसफुली कम्प्लीट किया। कितना जो है भरोसा बढ़ता है जब बक्कीदा और फरहान सराहते हैं फिल्म को, कितना कितनी खुशी। जस्ट थैंक यू
के फराह जी के यहाँ पर आए तो मेरे अंदर तो खैर कॉन्फिडेंस तो है ही, बट आज सच फराह जी के आने से मेरे अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया। कि दादा ने भी ये कहा था कि भाई फराह जी जो फिल्म के अंदर आएंगे पोस्टर लॉन्च में तो आपकी पिक्चर जो है बहुत हिट हो जाएगी। पर मैंने दादा से कहा कि आ जाएंगे तो एक फराह जी ने जिस तरीके से एक शुभकामना जो दी है तो मेरे लिए बहुत खुश नसीबी है कि फराह जी आई और मुझे जो है एक कॉन्फिडेंस देके गई है कि आगे भी है अच्छा काम आप करते हैं। देखिए पार्थो घोष डायरेक्टर जो है आपने सभी ने देखा होगा कि उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत अच्छी फिल्में दी हैं, जैसे 100 डेज, अग्नि साक्षी, और मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है कि मैंने उनके साथ काम किया है। और शूट पे मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि जिस तरीके से वो सीन को पिक्चराइज करते हैं और बाखूबी से जो है फिल्म बनाई है उन्होंने, तो वेरी एक्साइटेड कि ये फिल्म जो है रिलीज़ हो और आप लोगों को देखने को मिले। और अब आप लोगों के ऊपर है कि उसको किस तरीके से जो है आप बताते हैं फिल्म को, क्योंकि मुझे लगता है फिल्म बहुत अच्छी है और आपको बहुत पसंद। म्यूज़िक तो डेफिनेटली सबको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इतने वेरिएशंस दिए हैं, अलग रोमांटिक ट्रैक अलग चल रहा है, सूफी गाना भी है, पार्टी नंबर जो दादा का स्पेशल बोल सकते हैं हम लोग, वो दादा की चीज़ पार्टी नंबर बहुत सुपर डुपर है, जो मतलब किसी को भी थिरकने के लिए मजबूर करेगा। और अरमान का गाना तो मुझे लगता है कि जैसे एक फिल्म आई थी ना आशिकी 2, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बफीदा ने जो कंपोज़ किया है, अरमान ने जो यहाँ सिंगिंग की है इस गाने में, बहुत अच्छा गाना है, लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। डेफिनेटली आज हम लोगों ने फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया है तो बहुत ही जल्द हम लोग ट्रेलर लॉन्च की तैयारी में हैं और ट्रेलर लॉन्च पे ही आप सबको डेट अनाउंसमेंट पता चल जाएगी। बट हाँ, बहुत जल्द, मतलब हमारा जो फिल्म का जो टाइटल है मौसम इकरार के दो पल प्यार के, तो ये मौसम जो है वो प्यार वाला मौसम है, बारिश का मौसम है, तो इसी मौसम में ही आप इस फिल्म को देख पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि आज कई फिल्मों के ट्रेलर और कई लॉन्च हुए हैं, जैसे आमिर खान साहब का भी आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है और कमल हसन साहब का भी ट्रेलर लॉन्च हुआ है। सबसे ज़्यादा मैं आपको थैंक्स बोल रहा हूँ कि आप हमारे दो पल प्यार के जो पोस्टर पर लॉन्च पे आए। मुझे तो लगता था कि पता नहीं शायद इतना मीडिया आएगी नहीं, पर आप लोग आए यहाँ पर, तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे लिए आए और इस पोस्टर लॉन्च हुआ है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।